हेलो प्यारे दोस्तों, अभी हम मेरे मोबाइल पर कमेंट आया था, 8th क्लास के बच्चों ने कमेंट किया था, जिनका नाम है श्रुति, भावना, काली, सर्वेश, ललन, दिव्यांशु। ये सारे जो छात्र हैं इन्होंने कमेंट किया था कि सर मुझे चैप्टर 9 और 14 का मुझे समझा दीजिए। तो मैंने देखा कि बच्चों को बहुत बड़ा कमेंट आ रहा है, तो फिर मैंने टॉपिक उठाया कि अलजेब्रा का दो चैप्टर है, इसी के अंदर में 9वां और 14। हम बच्चों हमारे वीडियो पर देखते रहिए और हम आपको पूरी कोशिश करेंगे बताने की, ठीक है। तो आज अलजेब्रा देखिए, मैं बेसिक बताऊंगा आपको, कोई गड़बड़ नहीं, आराम से देखिए। पहला बेसिक देखिए, है ना, पहला चर, चर मतलब होता है वेरिएबल, वेरिएबल यानी हो गया ए बी सी डी की सर्च। दूसरा अचर, अनवेरिएबल, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो दोस्त पहले बेसिक बता रहे हैं आपको, इसके बाद यहाँ दिखेगा अच्छी तरह, है ना। तो वेरिएबल को वेरिएबल साथ प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, पर मल्टीप्लाई जो होता है दोस्तों अलग अलग भी कर सकते हो। देख ध्यान देखिए, अच्छी तरह देखिए, एग्जांपल है ना, देखिए 2x और 3x, देखिए दोनों x मिल रहा है तो इसको प्लस कर सकते हैं, तो ये हो गया 5x, राइट। 3x - 2x इक्वल टू 1x, प्लस में और माइनस में अगर अलग, अगर एक जैसा हो तो प्लस होगा माइनस होगा, पर अलग अलग हो तो प्लस नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको इसे समझाया, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देते हैं, जैसे 2x + 3y, ये प्लस नहीं होगा, क्यों क्यों नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग है, और माइनस में नहीं होगा, 3x - 2y माइनस में नहीं होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग है। तो देखिए बेसिक मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे देखिए 2x - 3y मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं, आराम से गुणा हो जाएगा। देखिए 2 3 6 6xy, डन है। अब देखिए डिवाइड में 6xy - 2x क्या करेंगे दोस्तों, इसको ऊपर करेंगे और इसको दोस्तों नीचे करेंगे, तो इससे आपका ये कट गया और 2 3 6, यानी कि दोस्तों हो गया आंसर 3y, डन है, क्लियर हो गया। तो ए आप अच्छी तरह देखिए, अच्छी तरह समझिए ना, मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ दोस्तों ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। आगे चले देखिए, इसके बाद हम आपको बहुत सरल सरल तरीका आपको मैथ बताएंगे, बहुत ट्रिक्स बताएंगे आपको अलजेब्रा का, ठीक है ना, पूरा एक एक चीज बताएंगे आपको। देखिए ये बेसिक हो गया, आगे देखिए, जैसे एक फॉर्मूला है a² - b² और आपको क्या होता है a + b और a - b, ठीक है दोस्त। तो अगर हम इसके ऊपर कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे y² - 16 - x² - 4, ठीक है दोस्त, y² - 60 - x² - 60, मैंने एग्जांपल लिया, इसे कुछ नहीं करना है, y² / 4 × 4 = x² / 2 2 2 कर सकते हैं, है ना, ध्यान देखिएगा 2 × 2 कर सकते हैं। तो y² का² हो गया माइनस x² / 2 हो गया। तो देखिए यह पूरा बन गया, इसको आप यहाँ रखेंगे, आप देखिए ध्यान से, तो एक वैल्यू क्या हो गया y / 4 और b वैल्यू क्या हो गया x / 2, ठीक है। इसको वैल्यू कहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे, तो y प्लस 4 y प्लस 4 अपॉन x / 2, है ना, क्या होगा y / 4 - x / 2, ठीक है दोस्त। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया ना, ठीक है, ध्यान दीजिए।
फिर हम आपको आगे समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्त, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हम आपको आगे पूर्ण समझा रहे हैं। देखिए दूसरा, ठीक है यहां तक? अब देखिए ध्यान से, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, इसका मतलब क्या होता है? एक्स का स्क्वायर ब्रैकेट में हो गया ए प्लस बी एक्स ए इंटू बी, राइट? हो गया, कोई डाउट नहीं है? ध्यान दीजिए, जैसे मानिए कि हमने हमने गुणा किया 103 इंटू 102, ठीक है दोस्त, तो क्या हो जाएगा? 100 प्लस 3 इक्वल टू 100 प्लस 2, ठीक है दोस्त, तो यानी कि x का हो जाएगा वैल्यू 100, ठीक है। इसका मतलब कि चर जो मैथमेटिक्स होता है, तो कहने का मतलब है कि आप वेरिएबल वैल्यू है ना, इस तरह समझिए। तो इस तरह से आपका एंटरटेनमेंट होती है, अलजेब्रा बीच, और अलजेब्रा बीज होता है ना, बीज के आधार पर होता है। और हम किस तरह से करते हैं, तो यानी क्या स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर क्या होता है? घर के समान होता है, मकान होती है, बिल्डिंग देखे होंगे आप, घर है ना, तो स्क्वायर होता क्या है? उसी तरह अलजेब्रा जो है ना, बीज के लिए, तो अलजेब्रा एक ऐसी चीज़ है, जेब्रा जेब्रा है ना, अलजेब्रा जेब्रा बोल सकते हैं ना, जेब्रा की तरह हमें काम करना है ना, और जेब्रा है ना। देखिएगा तो ए की वैल्यू कितना आ गया 3, बी के स्क्वायर में कितना आ गया 2, जैसे होते और जेब्रा है ना, और जेब्रा, इसीलिए हम इसको किया और जेब्रा, ठीक है, और मतलब और जेब्रा ही, जेब्रा की तरह हम लोग करते हैं, ऐसा तो पड़ी। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ रखेंगे दोस्त, 100 का स्क्वायर आ गया, फिर ए की वैल्यू कितना 3 प्लस 2 इंटू में हो गया 100 प्लस 3 इंटू 2, तो यानी देखिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और पढ़िए मेहनत करिए, ठीक है। इसको डबल मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इंटू 100 प्लस 500 प्लस 6, देखिए 3 तो 500 हो गया, कोई डाउट नहीं है, ये आपको हो गया 1 पर 4 0 प्लस 506, तो 1 पर 4 0 506, इसको क्या बराबर के जीरो लगा सकते हैं अपनी मर्जी से, ताकि प्लस बहुत आसान से हो जाए, 6 0 5 1 0, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्त, तो मैं इसको क्लीन करूँ, ठीक है, तो मैं क्लीन करता हूँ इसको, ठीक है, आगे बढ़ो, ठीक, ओके क्लीन करो। देखो बच्चों पद देखो, अब यहाँ पे आया एक पद, मतलब मोनोमियल, मोनोमियल देखिए, मोनो बोलते मोनो बोलते नहीं, मोनो बोलते हैं बच्चों, मोनो मतलब एक होता है, मुन्ना बोलते नहीं है, तो एक होता है, तो क्या होगा 2x, ठीक है, किसी का एक पुत्र होता है ना बच्चों, तो मोनो तो बोल ना पुकारता है, मोनो तो एक हो गया। दूसरा देखिए द्विपद है ना, तो इसको कहते हैं बायो, बायनोमियल, बोलते ना बाय, बोलते हैं बाय किसको कहते हैं दोस्त, दो के बीच में संबंध होता है ना, बायो, द्वि मतलब दो है ना, द्वि तो दो, अब दो दोस्त हो सकते हैं, दो फ्रेंड भी हो सकते हैं, है ना, वो तो समझ ही रहे होंगे आप लोग। अब आते हैं थ्री, थ्री पर ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल 2x प्लस 4y प्लस